तो भाई अगर आपने एक मेल मॉडल को बहुत ध्यान से देखा है तो आपने ये चीज जरूर से नोटिस की होगी कि उनकी आंखें कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं बाकी लोगों के कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से उनका फेस दिखने में और भी शार्प लगता है। अगर आप भी एक मेल मॉडल की तरह अपनी आंखों को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आज मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आपको काफी आसानी होगी अपनी आंखों को पहले से काफी अट्रैक्टिव बनाने में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है जिसको आपको बिना स्किप करते हुए एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना है अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट बात को मिस नहीं करना चाहते। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई अगर आप चैनल पर नए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दो मेरी आगे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, थिक एंड वेल सेट आईब्रोज। भाई आपके आईब्रोज का काफी मेजर रोल होता है आपकी आंखों के साथ साथ आपके फेस को भी अट्रैक्टिव दिखाने में। अगर आपने किसी मॉडल के फेस को नोटिस किया है तो ये चीज आपने उनके फेस पर जरूर से देखी होगी कि उनकी जो आईब्रोज होती है वो कितनी थिक और अच्छे से सेट हुई होती है, जिसकी वजह से उनका फेस दिखने में काफी अट्रैक्टिव और शार्प लगता है। अब भाई ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके आईब्रोज इतनी डार्क और थिक नहीं होती और साथ में वो दिखने में भी बहुत अजीब सी लगती है। अगर आपकी भी आईब्रोज इस कैटेगरी में आती है तो आपको बस इन तीन चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अगर आपकी यूनिब्रोज है या आपके आईब्रोज के बीच में या उसके आसपास में छोटे छोटे बाल आते हैं तो उनको आपको थ्रेडिंग करा कर रखना है, जिससे वो पहले के कंपैरेटिवली काफी अच्छी लगेंगी दिखने में। इसके अलावा आईब्रोज को थिकर बनाने के लिए और उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको दूसरी चीज ये फॉलो करनी है कि आपको आधे चम्मच कोकोनट ऑयल और आधे चम्मच कैस्टर ऑयल के अंदर एक विटामिन ई के कैप्सूल के जेल को मिक्स करना है। फिर उसको आपको अपनी आईब्रोज पर हल्की हल्की उंगलियों से अप्लाई करना है। इसे आप डेली रात को सोने से पहले अप्लाई करोगे तो आपको 20 से 30 दिनों में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अपनी आईब्रोज की थिकनेस और ग्रोथ में। इसके अलावा अगर आप अपनी आईब्रोज को इंस्टेंटली डार्क और थिकर बनाना चाहते हो तो आपको सिंपली एक आईब्रो पेंसिल लेनी है, जिसको आपको अपनी आईब्रोज पर बहुत ही हल्के से अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा अपनी आईब्रोज की डार्कनेस में। पॉइंट नंबर 2, थिक एंड लॉन्ग आई लैशेस। भाई जो आपके आई लैशेस यानी कि पलके होती है वो अगर लंबी और घनी हो तो वो आपकी आंखों को और आपके फेस को काफी अट्रैक्टिव दिखाती है। ऐसे काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी आई लैशेस काफी लंबी और घनी है, जैसे कि ज़ेन मलिक और ज़ैक एफ्रॉन। अगर आप इन दोनों ही सेलिब्रिटीज की आंखों को ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि इनकी जो आई लैशेस है वो काफी लंबी और घनी है, जिसकी वजह से इनकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव लगती है दिखने में। अगर आप इन दोनों सेलिब्रिटीज की तरह लंबी और घनी आई लैशेस को अचीव करना चाहते हो तो आप सिंपली अपनी आई लैशेस यानी कि पलकों पर कोकोनट और कैस्टर ऑयल के अंदर विटामिन ई के कैप्सूल के जेल को मिक्स करके लगा सकते हो। ये चीज मैंने आपको आईब्रोज वाले पॉइंट के अंदर भी बताई थी, जिसे आप अपनी आई लैशेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। इसे भी अगर आप रात को सोने से पहले अपनी पलकों पर रोज अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ 20 से 30 दिनों के अंदर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपनी आई लैशेस की ग्रोथ और थिकनेस में। इसके अलावा जब आप किसी शादी या पार्टी वगैरह में जाओगे या आपको अपना फोटोशूट करवाना है तो आपको अपनी पलकों को शेप देना है कुछ इस तरह के आई लैश कर्लर से। ये टूल आपकी आई लैशेस को ऊपर की तरफ कर्ल कर देता है, जिससे आपकी आई लैशेस और आपकी आंखें दिखने में काफी अच्छी लगती है। पॉइंट नंबर 3, कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंसेस। भाई अगर आप चश्मा पहनते हो या आपको अपनी आंखों को नेक्स्ट लेवल अट्रैक्टिव बनाना है, जिससे लोग आपकी आंखों को और आपके फेस को नोटिस करे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप कुछ इस तरह के कलर्ड लेंसेस का यूज करो। नॉर्मली इंडिया के जो ज्यादातर लोग होते हैं उनकी आंखों का कलर ब्राउन होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों का कलर ब्लू या ग्रीन होता है। अगर आपकी आंखें नॉर्मल ब्राउन कलर की हैं, तो आप उन्हें और भी अच्छा दिखा सकते हो कलर्ड लेंसेस को यूज करके। इसके अलावा अगर आप चश्मा पहनते हो और आप किसी स्पेशल फंक्शन के अंदर सबसे अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो तो आपके लिए भी कॉन्टेक्ट लेंसेस काफी अच्छे ऑप्शन होंगे सबसे अलग दिखने के लिए। अब वैसे तो कॉन्टेक्ट लेंसेस के अंदर आपको काफी सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बट आपको सिर्फ ग्रे कलर को ही प्रीफर करना है, जो दिखने में काफी नेचुरल लगता है बाकी कलर के लेंसेस के कंपैरिजन में। अगर इनकी लाइफ के बारे में बात करूं तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है डेली डिस्पोजेबल, जिसे आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो। दूसरा होता है मंथली डिस्पोजेबल, जिसे आप 30 दिनों तक यूज कर सकते हो। और तीसरा होता है ईयरली डिस्पोजेबल, जिसे आप लोग एक साल तक यूज कर सकते हो। कॉन्टेक्ट लेंसेस को पहनते टाइम आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इन्हें डेली बेसिस पर यूज नहीं करना, आपको इन्हें स्पेशल ओकेजन के अंदर यूज करना है, जैसे किसी बर्थडे पार्टी में, शादी या रिसेप्शन में। और इसके अलावा आप इन्हें ऑफिस और कॉलेज की पार्टी में या फोटोशूट कराते टाइम भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको इस बात का भी जरूर से ध्यान रखना है कि आपको सोने से पहले अपने लेंसेस को उतार देना है, वरना इनसे आपकी आंखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। वैसे तो कॉन्टेक्ट लेंसेस को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, बट अगर आप चश्मा लगाते हो तो आपको पहले अपनी आंखों का किसी अच्छे से आई डॉक्टर से चेकअप करवा लेना है, देन उसके बाद आप अपनी आंखों के नंबर के हिसाब से कॉन्टेक्ट लेंसेस पहन सकते हो। इसके ही अपोजिट अगर आप चश्मा नहीं लगाते हो, आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, तो आप ऑनलाइन भी कॉन्टेक्ट लेंसेस परचेज कर सकते हो, बट याद रखना वो अच्छी ब्रांड के होने चाहिए। मैं आपको कुछ अच्छी क्वालिटी के लेंसेस का परचेसिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो। पॉइंट नंबर 4, ड्राई एंड रेड आईज। भाई अगर आपकी आंखें बहुत ड्राई और टायर्ड रहती हैं या आपकी आंखों में बार बार खुजली होती है जिसकी वजह से आपकी आंखें लाल हो जाती हैं
हैं तो आपकी आंखें और आपका फेस दिखने में बहुत ही अजीब सा लगता है, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ही अनअट्रैक्टिव और नशेड़ी टाइप के इंसान लगते हो। तो इसीलिए आपको डॉक्टर की सलाह लेकर किसी अच्छी से आई ड्रॉप्स को यूज करना है, जो आपकी आंखों की रेडनेस को रिड्यूस करके उन्हें व्हाइटन और ब्राइट दिखाएगी। पॉइंट नंबर 5, पफीनेस एंड डार्क सर्कल्स। भाई अगर आपकी आंखों के नीचे की स्किन पफी यानी कि सूजी हुई रहती है तो वो बहुत ही अजीब सी लगती है दिखने में, जिसकी वजह से आपकी आंखें और आपका फेस बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगता है। अब इस प्रॉब्लम के जो रीजन सबसे कॉमन होते हैं वो यह है कि आप बहुत ही कम नींद लेते हो या बहुत ही कम पानी पीते हो, और इसके अलावा ज्यादा स्ट्रेस और एलर्जीज की वजह से भी आपकी आंखों के नीचे पफीनेस या सूजन आ जाती है। इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए आपको सिंपली दिन भर में अच्छी क्वांटिटी में पानी पीना है और साथ में आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। और इसके अलावा आप एक चीज और ट्राई कर सकते हो कि आप 2 चम्मच को फ्रीजर के अंदर ठंडा करके अपनी आंखों के नीचे रख सकते हो। इस मेथड से आंखों के नीचे की पफीनेस काफी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ में अगर आपको डार्क सर्कल्स की भी प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको 2 ग्रीन टी बैग्स को पानी के अंदर भिगोकर फ्रीजर के अंदर ठंडा करना है। देन उसके बाद आपको उन्हें अपनी आंखों पर रख लेना है 10 या 15 मिनट तक। इस मेथड से आपकी आंखों की पफीनेस भी कम होती है और साथ में ये आपके डार्क सर्कल्स को भी कम करने में काफी हेल्प करता है। डार्क सर्कल्स को और भी अच्छे से ट्रीट करने के लिए आप किसी अंडर आई क्रीम का भी यूज कर सकते हो। मैं आपको किसी अच्छी सी अंडर आई क्रीम का परचेसिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। पॉइंट नंबर 6, द हंटर आईज। भाई वैसे तो दुनिया में आंखों के काफी सारे शेप्स होते हैं, बट जो शेप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो है हंटर आई शेप। अब अगर आपको नहीं पता कि ये हंटर आईज होती कैसी है तो मैं आपको बता दूं, हंटर आईज बेसिकली बादाम के शेप की आंखें होती है जो बहुत डीपली सेट रहती है स्कल के अंदर, जिसकी वजह से आईब्रोज के नीचे की स्किन आंखों के ऊपर फोल्ड होकर एक स्ट्रेट और वर्टिकली कॉम्पैक्ट शेप बनाती है। अब ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज और मेल मॉडल्स हैं जिनके हंटर आईज हैं, जैसे कि सियान ओप्रोए, रॉबर्ट पैटिनसन और इयान समरहोल्डर। इन तीनों ही लोगों को हंटर आईज मिली हुई है। अगर आपको जेनेटिकली पहले से ही हंटर आईज मिली हुई है तो भाई बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको जेनेटिकली हंटर आईज नहीं मिली हुई है तो आप इन 2 मेथड्स को फॉलो करके हंटर आईज अचीव कर सकते हो। तो पहला मेथड है म्यूविंग टेक्निक, जिसमें आपको बेसिकली ये करना होता है कि आपको अपनी टंग को अपने माउथ के ऊपर वाले हिस्से पर पूरे दिन रेस्ट कराना होता है। इस मेथड से आपके फेस का स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है और साथ में ये मेथड आपकी मैक्सिला बोन पर प्रेशर डालता है, जिससे आपकी मैक्सिला बोन आगे और ऊपर की ओर ग्रो होती है, जिससे आपकी काफी हेल्प होती है हंटर आईज अचीव करने में। दूसरा मेथड ये है कि आपको अपने आईब्रोज को रिलैक्स करके नीचे की तरफ झुका कर रखना है। इस ट्रिक की मदद से भी आप हंटर आईज को अचीव कर सकते हो। तो भाई ये है वो पॉइंट्स जिनकी मदद से आप अपनी आंखों को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो, जिससे आपका फेस दिखने में काफी शार्प लगेगा। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो मैं आपको अपनी ये 2 वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा, आप इनको एक बार जरूर से देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।